That's a good sign. एक वीडियो उनकी मर्जी के खिलाफ बना दो, ऐसी गालियां पड़ती हैं, उफ। मैं थक गया उस फड्डे से, aren't you? Of course. तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो? वो ऐसा नहीं करेगी। How do you know? मुझे नहीं दिखाना ये स्टूपिड फड्डा अपने व्लॉग में। This is not a good idea. कि मैंने सारा को माफ कर दिया। Do you miss it? Hopefully this time. क्योंकि अब तक फैंस ने हमें सिर्फ लड़ते हुए देखा है, अब एकदम से व्लॉग डाल देंगे बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के तो दे वोंट लाइक इट। देखो पहली बात तो ये कि आज व्लॉग अपलोड होना है, क्योंकि डेली व्लॉग अपलोड नहीं किया तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, और दूसरी बात ये कि व्लॉग काफी अच्छा बना है, अपलोड होने दो, लोगों को जज करने दो ना। आई गेट व्हाट यू आर सेइंग, बट खुद सोचो ना, कल तक हम बुरी तरह लड़े थे और आज दोस्त भी बन गए। इट मेक्स द होल थिंग लुक फेक। यार लेट्स जस्ट पोस्ट अ ब्लडी स्टोरी अबाउट इट, मगर व्लॉग तो आज अपलोड करना है ना, कोई और बैकअप नहीं हमारे पास। आई जस्ट मुझे पता है लोग बहुत सुनाने वाले हैं हमें। देखो फिर एक ही ऑप्शन है, हम अपनी फड्डे वाली फुटेज डाल दें और प्रिटेंड करें कि हम अभी तक लड़ रहे हैं। आर यू फॉर दैट? नो, नीदर एम आई। तो लेट्स जस्ट पोस्ट दिस व्लॉग, बाकी चीजें बैंकॉक पहुंच के देखेंगे। ओके एक और, मुझे तो लग रहा है लोगों को पहले वाला व्लॉग हजम नहीं हुआ होगा, एक और बनाएंगे तो क्या होगा? देखो लास्ट व्लॉग तो अपलोड करना ही है ना थाईलैंड का, और कंपटीशन तो रहा नहीं, तो अलग अलग बनाने का क्या फायदा? लेट्स जस्ट फोकस ऑन मेकिंग समथिंग गुड। ये बात तो है, वैसे आई डिड हैव फन लास्ट टाइम। एग्जैक्टली माय पॉइंट। और ये देखो, वाओ नाइस, ये तुमने पहले वाले व्लॉग में यूज किया था ना? हाँ, आने से पहले खरीदा था, पहले व्लॉग के बाद टाइम ही वाला भागम दौड़ी में। And before I go, I wanna use it. So, should we really do this then? I say why not? Hi guys, आप सब सोच रहे होंगे इन दोनों का तो अभी ये collaborative video आया था, फिर से साथ आ गए video में। असल में ना ये हमारा last vlog है Bangkok का, और पिछला वाला करने में हमें इतना मजा आया था कि हमने सोचा ये वाला भी साथ ही करते हैं। Exactly. And don't worry guys, मुझे याद है मैंने last time क्या कहा था? I will make a vlog to beat all vlogs. This is not how I pictured it, but I think this will be that vlog. और pressure डाल दो तुम इस vlog पे. In all honesty, मुझे लगता है कि इस vlog में हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे. ऐसा नहीं है कि पिछले वालों में नहीं की थी, but ये competition के चक्कर में कुछ चीज़ें रह गईं. But inshallah वो मेहनत आपको इस vlog में ज़रूर नज़र आएगी. And I bet you will all love it. And this will be something that we all can enjoy. याद आ रहा है कल जा तो रहे। हाँ थैंक गॉड, आई मीन डोंट गेट मी रॉन्ग, थाईलैंड में बहुत मजा आया, पर मैं इतना दूर कभी अपने घर से रही नहीं। कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? मेरी एक छोटी बहन है और एक बड़ा भाई है जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। तुम्हारे? सिर्फ मैं। वाओ दैट एक्सप्लेन्स सो मच। क्या मतलब? This is why you act like a spoiled child. Spoiled? Spoiled कैसे? Let me guess. बचपन से लेके अब तक तुम्हें कोई चीज कभी मना नहीं हुई। अम्मा अब्बा तो कुछ भी नहीं कहते होंगे, है ना? हाँ, अम्मी, अब्बू नहीं। क्या मतलब? My parents are divorced. Oh. क्या? ना ऑकवर्ड रिएक्शन। तो भाती इतनी ऑकवर्ड थी, मैं क्या करती?
क्या है? इस ऑकवर्डनेस को बढ़ा रहा हूँ। वाओ, थैंक यू, दैट्स सो नाइस। शूट कर लें? या, आई विल शूट यू विद अ गन। यहाँ के शेक्स बहुत अच्छे हैं। Sure you don't want to try one? नहीं नहीं, I'm good. बहुत अच्छा व्यू है यार यहाँ का। है ना? जब से मैं बैंकॉक आई थी ना, मैं अच्छे कैफे ढूंढ रही थी। And luckily this one was right in front of my hotel. So you're living there? चले? यार जब मैं last time cycling करने आई थी तो ये spot नहीं देखा मैंने। ओए सुनो, वहाँ मेरी पिक्चर लो ना। वीडियो पर रिस्पॉन्स चेक किया? नहीं, अभी तक तो नहीं। चेक करें? डर लग रहा है। वो तो मुझे भी लग रहा है। ओह फाइनली, आखिरकार असद द ब्लॉगर भी किसी चीज से डरता है। ऑब्वियसली, एज अ यूट्यूबर यू नेवर नो व्हाट माइट हैपन। आज जो सब लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपके काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कल को वही लोग आपको मुंह भी ना लगाएं। सोचो। दैट्स वन ऑफ माय बिगेस्ट फियर्स। किसी दिन अगर हमारे ही फैंस हमसे बोर होना शुरू हो गए तो? ये क्या है? पिक्चर है। सही से लो ना। सही है, सही है। रुको ना। सही है, आगे देखते हैं। मुझे तो कुछ और आता भी नहीं है। फेल होने का तो सोच भी नहीं सकता मैं। आई होप लोगों को समझ आ रहा है कि हम दिखाना क्या चाह रहे हैं। आई जस्ट वांट टू बी ऑनेस्ट विद देम। आई होप दे गेट दैट। कभी कभी तो ये सोचकर ही डर लगता है, अगर ये सब एक दिन खत्म हो जाए तब क्या होगा। So it was all fake. Clickbait tha, sab clickbait. This is not fair to us. Sirf views ke liye sab kiya. Ab mujhe samajh aa raha hai, jab aap kisi ko trust karte ho aur wo koi trust tod deta hai to kitni buri feeling hoti hai. Ban gaye hum. Kya? Wah! अच्छी गेम खेल गए भाई ये दोनों। असद, तुम ना शक्ल से लगते ही हो नहीं। What the hell is going on? टॉप यूट्यूबर होके ये हरकतें कर रहे हो। सारे लालची हैं बेसिकली व्यूज के पीछे। मैं तो पर्सनली आई फील अटैक। मतलब ये लड़ाई, ये फड्डा सब एक ड्रामा का। दिल में लगती। मतलब असद और सारा ने ये मिलके प्लान किया। क्लिकबेट। मैंने तुझे चाहा अपना समझ के। ये दोनों के दोनों एक जैसे हैं। तूने मुझे धोखा दिया पगला समझ के। यार शर्म करो यार, मेरा तो सारा रिस्पेक्ट खो लिया आपने। अरे यार यूट्यूबर्स व्यूज के लिए इस हद तक गिरने को तैयार है। और पता है, लगता ही है सोशल मीडिया और इंटरनेट के ऊपर सभी एक जैसे हैं। ये सब व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए किया है ना आप लोगों ने। कुछ भी दिखाया जा सकता है। सही कहा है किसी ने कि यूट्यूब पे कुछ भी दिखाया जा सकता है। धोखा लिया गया सब। अनसब्सक्राइब एक्सपेक्टेड। अल्लाह हाफिज़ भाई, मैं अब यूट्यूबर नहीं। I don't get it. हमने उस व्लॉग में सब कुछ बता तो दिया, कैसे मिले, बैठ के बात कर ली, सारे इश्यूज रिजॉल्व कर लिए। जब हमें आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन लोगों को क्यों आफत आई हुई है? I had a feeling कि किसी को पसंद नहीं आएगा। I mean, अब तक सबने हमें सिर्फ लड़ते हुए देखा है। It makes sense why they felt like it was all, you know, fake. सोचा तो मैंने भी यही था कि कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा, बट इतना बैकलैश। अभी से ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर सबने लास्ट व्लॉग देखे तो क्या होगा? I know. I don't think we should upload it. तो आखिरी व्लॉग की जगह क्या डालेंगे? कुछ भी नहीं। I think we should just stay low for the time being. We had the same conversation last night. Fans are expecting कि हम व्लॉग डालेंगे। Thailand का लास्ट व्लॉग है। अभी से सब हमें इतनी गालियाँ दे रहे हैं कि we fake the whole thing. लास्ट व्लॉग में हमें कोई साथ देखना पसंद करेगा? देखो, व्लॉग में हम लोगों को क्लियरली बता चुके हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अब अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई तो डर के हम कुछ ना अपलोड करें। अरे डर की बात नहीं है सर, वी हैव टू प्ले इट स्मार्टली। आई मीन, मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि इस वक्त हमारे अपने फैंस हमसे नाराज़ हैं। अब ऐसा कुछ अपलोड कर दूंगी वो और नाराज़ हो जाएंगे। मुझे बस एक बात बताओ, डिड यू हैव फन फिल्मिंग दिस व्लॉग? हाँ। डू यू थिंक इट विल टर्न आउट टू बी अ गुड व्लॉग? इट विल बी एन अमेजिंग व्लॉग। तो फिर बात खत्म, बस हम अपलोड करेंगे। इसको अपलोड ना करना ज्यादा नुकसानदेह। इतने बुरे रिस्पांस के बावजूद तुम व्लॉग अपलोड करना चाहते हो, क्यों? क्योंकि आई एम ब्लडी प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव डन। आई एग्री असद, बट प्लीज एक बार ठंडे दिमाग से सोचो हाउ दिस विल इंपैक्ट बोथ ऑफ अस। सोच लिया, फिर भी अपलोड करना है।
यार व्हाई आर यू बीइंग लाइक दिस? बच्चों पे जिद क्यों कर रहे हो? सारा अब जिद का हो या जो भी, मुझे इस मर्तबा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। देखो व्लॉग मेरे चैनल से अपलोड होना है एंड आई हैव टू बी ऑन बोर्ड एज वेल एंड सो फार आई एम नॉट। ठीक है तो मैं अपलोड नहीं करना ना करूं, मैं कर दूंगा। अच्छा यू नो मैंने एक चीज नोट की है, जब से तुम्हारे साथ काम कर रही हूं ना कोई नई मुसीबत आ जाती है। सीरियसली? ऑफ कोर्स यार, तुम्हारी ईगो हर्ट ना, उस चक्कर में तुम्हें कुछ भी मंजूर है। पहले मुझे लगा तुम सिर्फ गुस्से के तेज हो, बट तुम तो बिल्कुल ही सरफरे इंसान। काश हमने कोई व्लॉग साथ बनाया ना होता। You know what? You're absolutely right. काश ना हमने कभी व्लॉग साथ बनाया होता, काश अभी तक हम लड़ रहे होते, काश ना मैंने तुम्हारी आईडी हैक की होती। तुमने मेरी आईडी हैक की थी? क्यों? That's how you got my itinerary? देखो सारा, मैंने तुम्हें ये बात बतानी थी, but obviously ऐसे नहीं। उस वक्त कंपटीशन चल रहा था और मैं I was desperate to win. तो बस उस वक्त के चक्कर में पागल हो गया। Wow. You're actually blaming the competition. You know, मुझे हर किसी ने मना किया था तुमसे दोस्ती ना करो, पर मैं तुम्हें फजूल में ऐसे ही डिफेंड कर रही थी। मतलब you are a piece of shit. सारा, I'm sorry, but please hear me out. I'm a changed person now. तुम थकते नहीं झूठ बोल बोलकर? मैं झूठ नहीं बोल रहा, promise. मैं बहुत बड़ा कमीना हूँ, मगर इतने टाइम में मैं एक इंसान का बच्चा जरूर बन गया हूँ। You hacked my personality, stole my itinerary. मेरे साथ एक अच्छा सा व्लॉग भी बना ले जो अब तुम अपनी आईडी से अपलोड करने वाले and you expect me to believe you changed? देखो सारा, promise वो व्लॉग मेरे चैनल से अपलोड नहीं होगा, उसको तुम ही अपलोड करोगी and I am sorry about all of that. I'm not uploading it either. तुम्हें जो करना करो। Asad is the worst human being on the face of this planet. हाँ, but किया क्या है उसने? तुम्हें याद है जब उसने मेरी itinerary चोरी की थी? Well, turns out he hacked my personal ID for it. Can you imagine? Wow, इतना भी कोई कर सकता है? I know, right? और उसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बोलता है मैं बदल गया हूँ, please मुझे माफ कर दो. God. Asad ने आपसे माफी मांगी. Wasn't expecting that. जाहिर सी बातें मांगेगा, काम ऐसा किया था उसने? फिर आपने क्या किया? माफ कर दिया? एम ही माफ कर दूं? मतलब सब कुछ कंपटीशन पर ब्लेम करके आराम से बैठ दिए? क्या मतलब? मुझे बोलता है कि ये सब मैंने कंपटीशन को जीतने के चक्कर में किया, मतलब बुराई खुद में है, ये बात नहीं माननी। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं यही सोच रही थी कि कंपटीशन के चक्कर में आपने भी तो कुछ ऐसी हरकतें की हैं। मैंने एटलीस्ट ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। आई एम नॉट लाइक हिम। अच्छा, और वो जो असद को चीटर कह के आपने स्टोरी अपलोड कर दी थी, वो ही चीटेड? मैंने सबको बता दिया, सिंपल। इसमें क्या गलत था? हाँ, बट डिडंट ही ऑलमोस्ट लूज हिज एंटायर यूट्यूब करियर बिकॉज ऑफ इट? हाँ, अपनी खुद की गलती की वजह से। आई एग्री विद दैट, बट व्हाट? यही कि बोथ ऑफ यू वेंट मैड फॉर दिस कॉम्पिटिशन। ना ही वो पीछे हट रहा था और ना ही आप उसे आगे बढ़ने दे रही थी। असल में मैं आपको जानती हूँ, आप ऐसी नहीं है। कल भी तो आप मुझे बता रही थी कि असद इज वेरी मिसअंडरस्टूड। ये भी तो हो सकता है ना कि इज नॉट दैट बैड एट ऑल, राइट? बट प्लीज आप मुझे गलत ना समझेगा, आई स्टिल डोंट लाइक हिम, बट यू डू। आई डोंट लाइक हिम? या राइट। अच्छा मैं बाद में बात करूंगी, मुझे पढ़ना है। बाय। क्या कर रहे हो? Was looking for you. तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तो सोचा शायद यहीं बैठी भी होगी। हाँ, वो मैंने फोन ऑफ कर दिया था। मैनेजर की बार बार कॉल आई जा रही थी। क्यों? वो ही सब बकवास, वीडियो ना अपलोड करो, ब्ला ब्ला ब्ला। My manager said the same thing. कह रही थी ये मिस्टेक मत करना। मिस्टेक? आज कुछ ज्यादा ही थकन नहीं हो गई? मेंटल थकन ज्यादा हो गई है। मेरा तो दिमाग ही सुन चल रहा है। और मेरे तो सर में दर्द हो गया ये सोच सोच कर कि दूसरे क्या सोच रहे होंगे। बहुत सोच लिया दूसरों के बारे में। That's all we have done so far. अच्छा listen, I know
you won't accept my apology, but... Let's just forget that. You know, I wish we could just go back in time. You mean, tumhe dobara se ladna hai? Oh God, no. I mean, so we could relive this trip again. Bagair kisi tension ya stress ke dusron ki suni chahiye apni. I doubt ki hume kabhi bhi soch se chutkara milega. I know, but I can try. You know what? I wish hum logon ko wo dikha saken jo hum khud banana chahte hain. Bagair kisi panchayat ke. That would be nice. खैर तो फिर क्या सोचा क्या करना है I've made a decision. तो इस बार खुद की सुनी या लोगों की Hi guys, thank you so much for watching the last episode of Clickbait. यकीनन आपको हमारी वेब सीरीज अच्छी लगी होगी और अगर आप लोग इमेजिनेशन से और कंटेंट देखना चाहते हैं तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो स्टे ट्यून्ड टू इमेजिनेशन पिक्चर्स फॉर मोर कंटेंट